नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नोएडा के ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी के बाहर चल रहा त्यागी समाज का धरना आज समाप्त हो गया। इसी के साथ जो मांगे त्यागी समाज के द्वारा रखी गई थी उन्हें अथॉरिटी द्वारा मान लिया गया है, जिसके बाद त्यागी समाज ने इसे एक बड़ी जीत बताया है। दरअसल नोएडा की ओमैक्स सोसाइटी पहुंचे त्यागी समाज के नेता मांगेराम त्यागी और बॉबी त्यागी को सोसाइटी में न जाने देने के बाद समाज के लोगों ने सोसाइटी के बाहर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इसी के साथ सोसाइटी में उखाड़े गए पेड़ों को दोबारा लगाने, श्रीकांत त्यागी के घर के तोड़े गए हिस्से को दोबारा बनाने और पेड़ उखाड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई थी, जिस पर अथॉरिटी ने विचार विमर्श करने के बाद इन सभी मांगों को मान लिया और सोसाइटी में अन्य लोगों द्वारा किए गए अवैध निर्माण को तोड़ने के भी आदेश दिए गए हैं, जिसके तहत लगभग 300 घरों के द्वारा किए गए अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। जिसके बाद त्यागी समाज के लोगों में काफी खुशी है और अब त्यागी समाज के लोग मेरठ कमिश्नरी पर चल रहे धरने पर अपनी अन्य मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखेंगे। मेरी मांगे तो हम कितनी जगह पिछले समय से बता रहे हैं, बात यहाँ धरने की नहीं थी, यहाँ मान और सम्मान की थी जो सोसाइटी के लोग मेरे खिलाफ कर रहे थे। मेरा समाज यहाँ फिर दोबारा आया, जैसे 21 तारीख को महापंचायत हुई थी उसके बावजूद भी ये लोग नहीं बाज आ रहे थे, तो उसके खिलाफ जो भी कुछ हुआ आप सारे समाज के सामने जो फैसला लिया है वो मुझे पूरा मान्य है। उन लोगों ने कहा है माफ़ी मांगेंगे, उन लोगों ने कहा है पेड़ों को कुछ नहीं करेंगे, उन लोगों ने कहा है कि दोबारा बनवाएंगे, मुझे उन पे तो भरोसा नहीं है, पर मुझे अपने समाज पर ज़रूर भरोसा है। और बस मैं यही बात को कहना चाहता हूँ, कंप्लेन वापस लेंगे तो मैं बस यही बात को कहकर ख़त्म करना चाहती हूँ कि अगर इन लोगों ने अपनी बातों से मुकरा तो जैसे मेरा समाज आ जाए शायद फिर दोबारा आएगा, तो मैं चाहूँगी कि ऐसा दोबारा ना हो कि हमारे समाज के लोगों को दोबारा इस तरह से यहाँ पर सड़कों पर खड़ा हो। समाज का किस प्रकार से धन्यवाद करना चाहेंगे? उसका तो मैं धन्यवाद ही नहीं कर सकती, शब्द ही नहीं है मेरे पास उन चीज़ों के लिए। आप खुद भी देख रहे होंगे कि एक नहीं दो नहीं दस दस लाख लोगों के करीब, जिसकी मैंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी, मैंने इतने लोगों को कभी सोचा ही नहीं था अपनी ज़िंदगी में, जितनी मैंने अभी मैंने उम्र बिताई है उसके अकॉर्डिंग, तो इतने सारे लोग आए और समर्थन में आए उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रकरण ये था, अब तक यहाँ दो कानून चल रहे थे ओमैक्स सोसाइटी में जी। एक तो जो ग्रामीण परिवेश के आदमी उनके लिए तो अलग, अन्नू के परिवार के, और जो ये हाई सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए अलग था। पेड़ लगाए कल उनको, फिर यहाँ किसी को पेड़ पड़ना है भी, हमने उसको मना कर दिया था पेड़ नहीं पड़ने का। उसी बात को लेकर यहाँ से कल हमारा पूरा ही समाज जल बल के साथ यहाँ पहुँचे धन्यवाद के पात्र हैं। और आज वो 30 वाले आए थे, वे अंदर घुस गए, निशान लगा रहे, अब निशान लगा तो ही पेट में दर्द हुए क्या? तो इसके कॉलोनी वालों के मैं अब हमारे पास आए बोला जी इसमें चाहे सोने की ईट लग जो हम मकान बना के दे रहे, कल ही इसमें चिड़ाई लगा देंगे और आप जो है वो 30 पाए दो, हमारे मकान ना तोड़े और हमारे पेट ना फटे। इमला त्यागी के साथ में जो प्रकरण हुआ उस मुद्दे पर कुछ चर्चा हुई है प्रशासन से? इमला त्यागी वाले देखिए, जो इमला त्यागी और वो चंदा प्रकरण, वो मेरठ जो धरना है उसमें भी आपको कुछ खुशखबरी 5-4 दिन में मिल जाएगी, उसमें बड़ी कार्रवाई होगी उन अधिकारियों पर। और हमारी लड़ाई है महेश शर्मा राजेंद्र अग्रवाल से, बड़े नाकू हैं और इनसे लड़ाई है। ये तो पेड़ों का था, ये सम्मान जो पेड़ है ये पेड़ नहीं थे, ये तो हमारे त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज का एक सम्मान खड़ा है। वहाँ से हमने ने बता दिया इसकी अगर एक पत्ता भी आपने उखाड़ दिया तो आपके लिए भयंकर परिणाम झेलने पड़ेंगे आपको। तो आगे की क्या कार्रवाई होगी? अब आगे की है धरना खत्म, मेरठ चल रहे सभी भाई मेरे वहीं चलेंगे, और वहाँ से जो इंगला अन्नू के साथ में बुरा बर्ताव हुआ, जो 4 दिन तक इनको घुमाते फिरते रहे, जो फर्जी गैंगस्टर लगाई गई, जो महिला है जिन्होंने पेड़ उखाड़े उनके खिलाफ कार्रवाई, जो 6 बच्चे हैं जो विषम परिस्थितियों में यहाँ खाना देना आए थे उन बच्चों को बचाने के लिए आए थे उन्हें जेल कर दी, टोल पर लगभग 70-80 आदमियों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी, ये कुछ हमारे मुद्दे हैं वो कल हमने भेज दिए गए। और हमें यह है कि बहुत जल्दी इसमें सॉर्ट आउट होने वाला है, और उन अधिकारियों के खिलाफ भी जो यहाँ DCP थी वह अंकिता शर्मा, उसके खिलाफ भी बहुत जल्दी हम कार्रवाई संभव है।